आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब, एक बार बाजार के एक्शन पर जरा राय दें सर, जो फ्रेश इस समय वीकनेस आ रही है। हाँ गुड आफ्टरनून, तो देखिए कोई मेरे हिसाब से दिस इज द पेनल्टीमेट सेलिंग बिफोर द हॉलीडेज और यू नो स्क्वेयरिंग ऑफ पोजीशंस, और ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट हाइक है उससे थोड़ी, बट व्हाट आई हैव सीन इज ऑन यूरोप EU has said there will be no rate hike into, so I mean I'm not getting too much into it. Jo sell off aana tha banks mein overdone hai. I think this is an opportunity to buy select blue chip stocks. Maine pehle bhi kaha HDFC, HDFC Bank, Bajaj Finserv, Bajaj Finance mein nivesh kijiye, yahi time hai. और सुबह आपको मैंने विप्रो कहा था, वो डे हाई पे है। अब आपके लिए दो बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब बताए सर। तो पहले तो फिर अगेन आई रीइटरेट, एक्सिस बैंक लीजिए, एक्सिस की सबसे क्लीन बैंक। अभी जो उनके मैनेजमेंट बता रहा है वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट, 688 में लीजिए, 672 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट। और दूसरा है मेरा फेवरेट जो इस भाव पे टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो नौकरी लीजिए, बिकॉज हायरिंग इज गोइंग टू गो अप, नौकरीज आउटलुक इज वेरी गुड, एंड होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट इज एट द, ये करेक्शन के बाद सबसे अच्छा है। 5410-15 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 5300, 5600 का टारगेट मुझे नौकरी में दिख रहा है। तो 5600 के टारगेट के लिए इन्फो एज पर करनी है खरीदारी, फिलहाल 5420 के आसपास मिल रहा है, और खरीदारी आपको करनी है एक्सिस बैंक 686 के लेवल्स पर मिल रहा है, 720 का टारगेट आपको लगाना है, 672 का होगा स्टॉप लॉस। दो बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से, काफी बड़ा करेक्शन हमने इन्फो एज में आते हुए देख लिया है। अब भसीन साहब कह रहे हैं कि दोबारा ये स्टॉक चलने के लिए भी तैयार होगा, तो नजर रखेंगे इन्फो एज पर।